मैं ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ जो नहीं बैठ सकता है पढ़ने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में कि 12th के बाद एक रूटीन ब्रेक हो गया था मेरा, बट यहाँ के जो मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ ईमानदारी से क्लासेस लगाई और मैंने एक भी ना मॉक टेस्ट छोड़ा है ना वीकली टेस्ट छोड़ा है, बस उसको किया है अच्छे से और फिर बेयर मिनिमम प्रिपरेशन के साथ मेरे दोनों एग्जाम्स क्वालिफाई हो गए। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं वो। Have you got prize any time? Yes, sir. I got prize in every weekly Every week. test. Very good, very good. In every test, she got first prize, second prize? Mostly first or Mostly second. first prize. So, brilliant student. मैंने ऑलमोस्ट सारे मॉक टेस्ट दिए थे एंड व्हेन आई वाज गिविंग माय एक्चुअल एग्जाम आई डोंट फील इट लाइक मैं एक्चुअल एग्जाम दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बस एक और मैं मॉक टेस्ट है, कोई इतना प्रेशर नहीं था, इतना बर्डन नहीं था। ये बहुत रेयरली है, आपने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे किसी ना किसी एकेडमी में आपने दिए होंगे, आप वहां देखिएगा ये क्वेश्चन आपको शायद ही कहीं देखने को मिले, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट नंबर 4 में अवेलेबल है, उसमें आपको ये क्वेश्चन एज इट इज मिलेगा। तो ये था हमारे मॉक टेस्ट नंबर 5 से, और ऐसे इसमें बहुत हैं, और इस तरह के मेरे पास अभी ये 3 मॉक टेस्ट और पड़े हैं। अगर मैं सभी का डाटा निकालना शुरू करूं तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये डाटा जाएगा कम से कम 40, 45, 50 के आसपास, जो सीधा सीधा यहाँ मॉक टेस्ट से होगा। क्लियर? अगर आपने यहाँ के मॉक टेस्ट, यहाँ के वीकली टेस्ट और प्लस हमारे नोट्स अगर आपने ठीक ढंग से तैयार कर लिए तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आपका एनडीए का एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत, मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, मैं आपकी मैथ्स फैकल्टी नवीन आपका एक बार फिर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, मतलब स्वागत करता हूँ। दून डिफेंस एकेडमी के बिहाफ पर मैं आपसे आज कुछ चर्चा करने आया हूँ, कुछ बात करने आया हूँ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज इस बार हम हमारे एफ कैट, सी डी एस ई और एन डी ए रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में। देखिए विद्यार्थियों, सबसे जो प्रॉब्लम है, वर्स्ट प्रॉब्लम जिसको हम कह सकते हैं, कि हम अपने आप को परखते नहीं हैं, जांचते नहीं हैं। आप एग्ज़ाम चाहे जितना भी प्रिपेयर कर लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए, लेकिन जब तक आप परखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप अपनी सही स्टेटस के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। क्लियर? नहीं कैसे कि भाई सोने की परख तो परखने से ही होती है। आप कहीं पर भी कह दीजिए ये सोना है, ये पीतल है, परखेंगे नहीं तो पहचानने में नहीं आएगा। एम आई राइट ना? हाँ, आई एम ऑलवेज राइट। खैर चलिए, तो मैं बेसिकली आज बात करूंगा इस पे अपने मॉक टेस्ट के बारे में। ये हमारे स्टूडेंट्स के आप देख सकते हैं, ये सारी लिस्ट है जो जैसा आप देख रहे हैं अब की बार 100 पार, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे मॉक टेस्ट पार्टिसिपेट करते थे, हमेशा वीकली टेस्ट हमेशा पार्टिसिपेट करते थे और क्लासेस के अंदर रेगुलर रहते थे। आप देख लीजिए ये सफलता यहाँ आपके सामने है ना भाई। सो आज चूँकि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं या वीकली टेस्ट को इग्नोर करते हैं या पार्टिसिपेशन उनका रहता है लेकिन बट वो कहते हैं फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं बट मेंटली अब्सेंट रहते हैं, इग्नोरेंस जो है हमको उसको रोकना है। आज का मेरा और आपकी बातचीत का जो प्राइम मोटिव ये है कि हम चाहते हैं कि आप अपने अंदर वो काबिलियत डेवलप करें कि आप किसी भी एग्ज़ाम को फेस करने से पहले उसकी सिचुएशन को प्रारंभ में ही डील करना शुरू कर दें। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने लिए एक कंफर्ट जोन चाहते हैं, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप लोगों ने एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, शायद देखी हो आपने, दंगल, है ना? मुझे पूरा भरोसा है आपने निश्चित रूप से मूवी देखी होगी। दंगल में आपको याद करें एक सीन आया था, दंगल में उस सीन में जब आमिर खान अपनी बेटी को वहाँ पर फाइट कराने के लिए लेके जाता है तो वहाँ एक प्यारा सा सीन है जिसमें आमिर खान जो है अपनी बेटी से कहता है कि चलिए फाइट करने जाइए। सो उसके जो अरेंज कर रहे थे फाइट को वो मना कर देते हैं बेटी को लड़ाने से। फाइनली कुछ सिचुएशंस बनती है कि वो वहाँ तैयारी हो जाती है कि ठीक है आपकी बेटी फाइट कर लेगी। फाइनली जो उसके ऑर्गेनाइज़र थे रेसलिंग कॉम्पिटिशन के, वो कहते हैं उस बेटी से कि आप अपना कॉम्पिटिटर चुन लीजिए। शायद आपको ये सीन याद आ रहा हो। और उसकी जो बेटी होती है आमिर खान की, जो उसमें महावीर सिंह थे, वो बेटी जाके 3 जो लड़के थे उनमें से सबसे टफ कॉम्पिटिटर चुनती है। ऑर्गेनाइज़र बोलता है उससे कि ये तेरी बेटी की आज जो है वो हालत ख़राब हो जाएगी, ये उसने कॉम्पिटिटर ऐसा चुन लिया। बट महावीर सिंह जो उसमें आमिर खान रोल प्ले कर रहे हैं, महावीर सिंह कहते हैं कि बेटी हारे या जीते इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आज वो अपनी पहली लड़ाई जीत चुकी है। और पहली लड़ाई क्या थी? अपने आप को उस काबिल बनाना कि कंपटीशन चाहे जैसा भी हो देख लेंगे, नो प्रॉब्लम नो फियर। यही एटीट्यूड आपको भी डेवलप करना है। और ये एटीट्यूड डेवलप कैसे होता है? ये एटीट्यूड डेवलप जब होता है जब आप उसी कंडीशन में अपने आप को बार बार रखते हैं।
अगर कोई चीज़ बार बार की जाएगी उसी कंडीशन में रख के, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। नेक्स्ट टाइम अगर वही सिनेरियो, वही सीन आपके सामने बना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उससे डील ना कर सकें। क्लियर भाई? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और इस बात को और अच्छी तरह से समझाने के लिए आज मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त, कुछ मेरे विद्यार्थी, आपको सबको अच्छी तरह से पता है मैं अपने सभी विद्यार्थियों को अपना दोस्त, अपना मित्र ही कह समझता हूँ, तो आज उन्हीं में से कुछ दोस्तों को, कुछ मित्रों को, कुछ विद्यार्थियों को आपसे रूबरू कराने के लिए लाया हूँ, आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले बुला रहा हूँ अंशुमन, हमारे बहुत होनहार विद्यार्थी रहे हैं और लगातार इन्होंने अच्छा काम किया, हर एग्जाम में, हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आइए अंशुमन से मुलाकात करते हैं। जय हिंद। सो अंशुमन, डीडीए स्टूडेंट, डीडीए डायमंड्स, सो अपने बारे में थोड़ा बताएं। सो जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम अंशुमन यादव है और मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग अयोध्या से ही हुई है, उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया। So I've been preparing for the Defence Force examination for the past 1 year, and fortunately I've been able to clear my both attempts of the AFCAT examination. So Anshuman, एक साल आपकी तैयारी को हुआ है। Yes. सबसे पहले तो आप ये बताइए कि DDA में आके कैसा लगा आपको? So बहुत अच्छा, actually काफ़ी helpful रहा, खासकर मेरे लिए, और मैं ये बताना चाहूँगा मेरे जैसे students के लिए भी, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग को आज उतनी importance नहीं दी जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल है, बट लोग ये नहीं समझते कि जो रूटीन होता है एक स्टूडेंट का, जैसे बहुत बार ये होता है कि ट्वेल्थ करने के बाद आपका रूटीन ब्रेक हो जाता है पढ़ाई का, आप एक दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे लगातार, बहुत से बच्चे ऐसे हैं मेरे जैसे मैं कहूँगा, वो नहीं बैठ सकते हैं। बट यहाँ DDA आके सुबह से दोपहर तक हम क्लासेस लगा रहे हैं, फिर उसके बाद कई बार एक्स्ट्रा क्लासेस भी कर रहे हैं, और CDS AFCAT की मल्टीपल क्लासेस भी लगा रहे हैं, तो बस उतना ही ईमानदारी से अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो DDA के एक तो फैकल्टी बहुत ज़्यादा अच्छी रही है यहाँ की, बीट मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे, एंड जिसकी वजह से मैं अपने पहले अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट दोनों ही अच्छे स्कोर के साथ क्लियर कर पाया हूँ। अच्छा अंशुमन, आपने एक बहुत अच्छी प्यारी बात कही इसमें कि आपने अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन में हमें अंतर बताया। ऑफलाइन और ऑनलाइन में जो अंतर है वो आपने भी एक्सप्लेन जैसे किया, तो आपको नहीं लगता कि आज की जो पीढ़ी हमारी जो ऑनलाइन की तरफ भाग रही है इसका उन्हें नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा? सर बिल्कुल सर, क्योंकि ऑनलाइन लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो बेसिकली थोड़ा सा सस्ता होता है, बिकॉज ऑफ क्योंकि उनके पास कस्टमर्स ज़्यादा हैं, उनके पास वो रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। और ऑनलाइन का नुकसान ये है कि अगर जैसे बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि अगर वो एक दो क्लासेस लगा रहे हैं, वो शुरुआत जैसे उन्होंने कोई कोर्स बाय किया, वो एक महीने या मेनली दो तीन हफ्ते उन्होंने क्लासेस लगाई, बट बहुत सी बार ये हो जाता है कि वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल होती हैं, बट उसकी वजह से उनको एक दिमाग में आ जाता है कि हाँ ठीक है रिकॉर्डेड है, बाद में लगा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, तो उनका रूटीन ब्रेकडाउन हो जाता है बहुत सी बार अगर आप टोटली डिसिप्लिन नहीं हो। और आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अगर आप लैपटॉप से क्लासेस लगा रहे हो, मोबाइल से क्लासेस लगा रहे हो, तो कुछ भी आ सकता है, कोई नोटिफिकेशन आ गई, आपका मन नहीं कर रहा है, तो आपका रूटीन ब्रेकडाउन हो जाएगा। बट वही चीज़ अगर ऑफलाइन में है तो आपका पूरा ध्यान क्लास में ही रहेगा, आप बैक टू बैक क्लासेस लगाओगे, आपका रूटीन अच्छा खासा बना रहेगा। अच्छा एक बात और मैं पूछना चाहूँगा आपसे अंशुमन, कि जैसे ऑनलाइन हमारी क्लासेस चल रही हैं, सपोज करो आपको किसी क्वेश्चन को लेके या किसी टॉपिक को लेके डाउट है, तो उसका क्या स्टेटस रहता है ऑनलाइन में, क्या हम वो क्लियर कर सकते हैं? सो मेनली अगर स्टूडेंट्स कम है तो हाँ चांसेस हैं, बट अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा है, जैसे 100-120 की तादाद में हैं अगर स्टूडेंट्स, और जो आजकल है बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके लक के ऊपर है कि आपने टाइप कर दिया क्वेश्चन चैट बॉक्स में और टीचर ने पढ़ लिया, तो मैक्स टू मैक्स इतना हो सकता है इसके चांसेस हैं, अदरवाइज बहुत बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हर एक स्टूडेंट के चांसेस डाउट्स क्लियर हो जाएं ऑनलाइन क्लासेस में। क्या DDA में आपके डाउट्स क्लियर हुए? बिल्कुल सर, सही। इवन बहुत से टीचर्स हमारे ऐसे हैं जो मुझे अलग से बुला के या वो खुद कह देते हैं कि हाँ इस क्लास के बाद मैं ऐसे फ्री हूँ, यहाँ पे फ्री हूँ, आप आ जाना, डाउट क्लियर कर लेना। देखिए ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप अपने टीचर से डाउट क्लियर नहीं कर सकते, जितना टीचर ने वहाँ आपने प्रेजेंट करना है उतना टीचर ने प्रेजेंट किया, उसके बाद अगर आपके पास कोई डाउट हो तो जैसा अंशुमन कह रहे हैं बहुत रेयर चांस है कि आपका मैसेज पढ़ लिया जाएगा और आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपको अंशुमन से सीखना है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं इट्स गुड, आप ले सकते हैं, मना नहीं किया जाता उसके लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ से भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन का सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन नहीं है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है भाई? अच्छा अंशुमन एक चीज़ और ऑनलाइन के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट होता है ना, जो ऑनलाइन में जो कंटेंट है और ऑफलाइन का जो कंटेंट है, क्वेश्चन का जो कंटेंट है, उसमें आप क्या डिफरेंस पाते हैं?
मेनली डिफरेंस ये है, बहुत ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनका, बहुत ज़्यादा बेसिक्स ही पढ़ाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनडेप्थ टीचर्स नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम की लिमिटेशन होती है। मैक्स टू मैक्स क्लासेस वहाँ पे 45 मिनट्स की चलती हैं और सबको और उनको मतलब क्रिस्प पैसा रखना पड़ता है कि उनका वॉच टाइम बढ़े, उस हिसाब से उनको पेमेंट मिलती है। तो वो बहुत ज़्यादा इनडेप्थ इन डिटेल नहीं जा पाते हैं जो साइंस के टॉपिक हो गए या इंग्लिश में भी हो गए, जो बुकिश नॉलेज होती है आउट से वो ज़्यादा कवर करते हैं। अच्छा, जैसे आपने भी सीडी का एग्जाम दिया होगा, सीडीएसई दिया था, एफकेट दिया था, एफकेट सीडीएसई भी, सीडीएसई आपने मैथ्स का एग्जाम दिया होगा, तो आपका जो मैथ्स का जो पेपर रहा था, एग्जाम रहा था, उसमें और जो ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल सीडीएसई के नाम पर रहता है उसमें कितना डिफरेंस पाते हैं? बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली जो ऑनलाइन क्लासेस जो ऑनलाइन में बताते हैं वो मैक्स टू मैक्स टेंथ लेवल के एग्जाम करा दिए, बोले टेंथ लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो करा दिए, अलजेब्रा जो वो पढ़ाते हैं और जो एग्जाम में आती है वो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फर्क है। और कई ऐसे टॉपिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया या ये सब हो गया, वो उसमें वो बस जो फंडामेंटल उसको करने का तरीका होता है वो बताते हैं, बट जो एग्जाम को करने का अप्रोच है वो वहाँ पे नहीं हो पाता है। सो डीडी ने हेल्प की इसमें बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। चलिए देख सकते हैं आप लोग, एक ऑनलाइन ऑफलाइन का डिफरेंस आप देख सकते हैं। चलिए मैं अपने मेन मुद्दे पर आता हूँ, मॉक टेस्ट और हमारे वीकली टेस्ट, ये जेन्युइन है, इसमें किसी भी तरह का मेरे द्वारा फोर्स नहीं डाला जा रहा है, ये जेन्युइन है जो बताया जा रहा है। हाँ भाई अंशुमान, सो वीकली टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट से? सर मैं एग्जांपल के तौर पे ही बताऊंगा, मैं ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ जो नहीं बैठ सकता है पढ़ने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में कि ट्वेल्थ के बाद एक रूटीन ब्रेक हो गया था मेरा, बट यहाँ के जो मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ ईमानदारी से क्लासेस लगाई और मैंने एक भी ना मॉक टेस्ट छोड़ा है ना वीकली टेस्ट छोड़ा है, बस उसको किया है अच्छे से और फिर बेयर मिनिमम प्रिपरेशन के साथ मेरे दोनों एग्जाम्स क्वालिफाई हो गए। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं वो। और रही बात क्यों देना चाहिए, क्योंकि आप नो मैटर कितना भी प्रिपेयर कर लो, आप 4 घंटे पढ़ लो, 5 घंटे पढ़ लो, 6 घंटे पढ़ लो, बट कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उसके क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो एक्चुअल में, उसके जो एग्जाम का अप्रोच जैसे होता है, जैसे वहाँ पे सवाल आते हैं कि इतने टाइम ड्यूरेशन में इतना करना, अगर आप वो रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बीट आप हफ्ते में एक बार कर रहे हो या 2 हफ्ते में एक बार कर रहे हो, बट अगर नहीं कर रहे हो तो आपकी जो 5 घंटे की 6 घंटे की प्रिपरेशन है वो बेकार है, क्योंकि नहीं हो पाते फिर वहाँ जाके सवाल। अच्छा अंशुमन, जैसे आपने वीकली टेस्ट दिए है ना, मॉक टेस्ट दिए, तो उसमें जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किए गए वो क्वेश्चन और जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन, उनमें कितनी सिमिलरिटीज पाते हैं? सर बहुत ज़्यादा, स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है मोस्ट ऑफ ऑल। कई बार ऐसे होता है कि कई क्वेश्चन जैसे मैथ्स का हो गया या मतलब मेनली बस न्यूमेरिकल्स अलग हो गए और बाकी पूरे पूरे क्वेश्चन मैच कर जाते हैं, जो भी कंसेप्ट रहता है पूरा पूरा मैच कर जाता है। और फिर साइंस हो गया, साइंस में भी जो फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाई गई है राहुल सर द्वारा या तरणमन द्वारा, वो मेनली फंडामेंटल सबके सेम रहते हैं। और जिस जो जैसे कई जैसे एसिड बेसिस सॉल्ट हो गया उस पर, तो अब बस आपका ये करना है या अलग ऐसे जो वैसे टॉपिक है जहाँ पे आपको सिर्फ याद करके करना है, वो थोड़ा सा दिक्कत देता है क्योंकि वो कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, बट बाकी जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर हो गए थे। अच्छा मैथ्स में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं कि जो मैथ्स का आपका एग्जाम रहा या जो आपने सीडीएसई मैथ्स यहाँ पढ़ा और जो एग्जाम पेपर में जो आया आपका, क्या वो सिमिलर था? बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि ऑनलाइन तो आप बता ही चुके हैं कि ऑनलाइन जो कंटेंट है वो बेसिकली अर्थमेटिक बेस ज़्यादा है, लेकिन एग्जाम में जो वेटेज है वो आपका ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन का ज़्यादा था, तो यहाँ पर उस पर फोकस किया गया था प्रॉपर तरीके से? बहुत ज़्यादा सर, एक्चुअली जब 50 to 50, इस बार का जो सीडीएस का एग्जाम होता है अराउंड 50 to 55 क्वेश्चंस, तो लगाते हुए ऐसा लग रहा था कि क्लास का ही मॉक टेस्ट को इग्नोर ना करें, है ना भाई। लास्ट टाइम मैं आपके एक बार फिर अंशुमन से पूछना चाहूँगा कि अंशुमन अपनी तरफ से आपको क्या सलाह देना चाहेंगे, अंशुमन कोई एडवाइस आपके लिए? एडवाइस मेरी यही रहेगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने पहले बता दिया मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस इंसान नहीं हूँ, बट अगर जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं दून डिफेंस अकेडमी में जो भी आ रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से सारी क्लासेस लगा रहे हो सारी और बन से लगा रहे हो, आप बंक नहीं कर रहे हो क्लासेस, आप कैफेटेरिया में नहीं बैठ रहे हो, अगर क्लासेस लगा रहे हो और जो वीकली टेस्ट रेगुलरली कंडक्ट कराए जा रहे हैं अगर वो आप दे रहे हो, मॉक टेस्ट भी यहाँ पे एग्जाम से 1-2 महीने पहले स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आप सारे मॉक टेस्ट देते हो तो आपकी प्रिपरेशन आई वुड से 70-80% और ज़्यादा आसान हो जाएगी, रादर देन आप घर पे बैठ के ऑनलाइन सोर्सेज से अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे वो एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। अगर आप ऑनलाइन सोर्सेज से जो आप लगा रहे हो, अगर आप 100 में से वहाँ पे 80 सवाल कर पा रहे हो, तो एक्चुअल एग्जाम में आप मैक्स टू मैक्स 50 to 60 कर पाओगे, क्योंकि एग्जामिनेशन का प्रेशर बहुत अलग होता है। तो अगर आप जो भी यहाँ कराया जा रहा है आप क्लासेस रेगुलरली लगाओ और जो भी मॉक टेस्ट और वीकली टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं आप उसे ईमानदारी से, तो आपकी प्रिपरेशन आई वुड से पर्सनली
मैं यही एडवाइस करूँगा कि बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी अगर आप ये करते हो तो। देखिए आपने अंशुमन को सुना, अंशुमन की कही गई बात को आपको मानना है, और मेरी शुभकामनाएं अंशुमन के साथ है कि इनका भविष्य बहुत अच्छा हो। डेफिनेटली ही विल कम विद फ्लाइंग कलर्स। सो आप भी इस तरह से जैसा अंशुमन ने कहा अगर उसको मानते हैं तो निश्चित रूप से आपको भी वही सफलता का स्वाद चखने को मिला जो अंशुमन ने अभी अभी चखा है। अंशुमन एफकेट एंड सीडीएसई, अंशुमन ने दोनों एग्जाम क्रैक किए हैं। डेफिनेटली अंशुमन जो है वो एसएसबी भी क्रैक करने जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं अंशुमन के साथ हैं। ओके अंशुमन, थैंक यू, थैंक यू। सो अभी अभी आपने अंशुमन को सुना, इसी कड़ी में हम दूसरा कैंडिडेट बुला रहे हैं, वो है गरिमा। तो गरिमा प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो गरिमा, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए हमारे विद्यार्थियों से। जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ गरिमा फौजदार एंड आई बिलोंग टू आगरा उत्तर प्रदेश। आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम आगरा ओनली एंड फॉर माई ग्रेजुएशन आई हैव डन इट फ्रॉम शुलिनी यूनिवर्सिटी एंड देन आई केम टू डून डिफेंस अकेडमी फॉर माई सीडीएसई प्रिपरेशन। तो गरिमा, यस सर, योर एक्सपीरियंस इन डीडीए, यस सर, अंशुमन के कंपैरिजन में आपने क्या डिफरेंट फील किया? अंशुमन ने जो बताया वो उसको छोड़ के आप बताइएगा प्लीज। इन माय केस आई हैव बीन लाइक मोर रेगुलर टू द बेसिक थिंग्स व्हिच एवर वाज प्रोवाइडेड। आल्सो आई वाज इन कंटीन्यूअस टच विद माय टीचर्स वट एवर टाइम इट वॉज। माई टीचर्स हैव बिन रियली हेल्पफुल। दे वर ऑलवेज लाइक कि वट एवर डाउट्स और प्रॉब्लम्स यू हैव, डोंट गिव अ थॉट टू द टाइम, लाइक वट एवर आर इज इट इज, यू जस्ट share the questions and they were always active and helpful whatever queries I had, and they were like continuously supporting me. Also in the when we had the regular classes, wherever I had doubt I used to directly confront it with my teachers, like I couldn't get it, can I get extra time. They were always there, they used to give me extra time even for to everyone, like they used to give a separate hours, like I'm free at this hour, you can meet me and have the conversation. So that was really helpful for me. Query means something about questions or anything else, just like management query or GS question, anything else? Mainly about questions, and at times I used to do previous questions where I couldn't understand the answers. If my answers were wrong, then I used to discuss it with my teachers, okay, like okay. Why I'm not right. So it's mean you are totally depend on DDA or you are taking something or online classes, anything else? Actually, I was preparing from YouTube also. I won't say like I haven't used it. I had a mixed combination of both. But yes, I must say like online thing cannot replace offline at all, because I've seen this in myself. I used to prepare from both the sides, but the physical interaction which we have with the teachers and the doubt session, exactly. So you believe that online is not a substitute of offline classes? Yes, sir. 100%, no? Yes, sir. So please listen carefully, she is saying that offline classes is the best way to crack your exam. Got the point, na? Okay, now the basic question is, what about your mock test and weekly test? Sure, sir. So I have given almost all the weekly test here, and actually it used to be very exciting for me because it was a platform where I could evaluate myself, and I used to prepare it thoroughly for it, sir. I was always interested in test. I never missed any test, and also we used to get prizes, and I think that prize was also a key motivation. It used to fill us with enthusiasm, like sharing the result with your parents and like they congratulating, okay, you got. So have you got prize anytime? Yes sir, I got prize in every week. Every week, very good, very good. She got prize at least 2 or 3 times, or every test she got first prize, second prize, mostly first prize. So brilliant student. What about questions level in CDSE exam or your mock test exam? There is any similarity between them? Sure, sir. I would say the questions weren't exactly same, but the concepts were same, or because of the practice of questions, it was easy for me to eliminate, and that elimination method is very important. That's the thing which makes you realize and when you can crack the exam. And it was beneficial because in our mock test and weekly test, we could eliminate the options, and it prepared me for the final result so nice. Dear student, please focus that point, that elimination. Very interesting point that she raised, this elimination. You should know how to eliminate or how to pick up your answer. Sometime we don't know what is right answer, then choose wrong answer. If you are able to choose at least 3 wrong answer, then definitely the last one will be correct answer. So very good point, that is elimination method. Okay, so any advice for our student? Sure, sir. Yes, I would say consistency is the key. At times
things changes and you won't feel to the best like you're giving your 100%, but that doesn't matter. You should play that role every day, whether it's 50% or 100%, but one should not take break because the competition is very high. And remember, when you're not studying, someone is studying. So do prepare to your level best. And yes, take the classes regularly. It's nothing like very like something wow or miracle need to be happened. It's just your regular practice and the dedication which you give. The last question, the exam which you have cracked. Yes, sir. CDSE? Yes, sir. FCAT? CDSE. So CDSE. And what about your SSB? Sir, like I have been once to SSB and I got conference out. Okay, no problem, no problem. Definitely she will come flying colors. Definitely future inka bright hai. Clear? So, इनके बाद next मैं आपसे तारुफ करवाना चाहूँगा NDA student का, क्योंकि अभी तक आपने NDA, CDSE और FCAT के student से मुलाकात की है, लेकिन फिर भी आप ये चेहरा देख लीजिए एक बार और ये चेहरा आपको अगेन हमारी इस लिस्ट पे दोबारा देखने को मिलेगा. ये चेहरा आपको फाइनल सिलेक्शन देगा, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने बताई वो आप ध्यान रखिएगा, दैट इज कंसिस्टेंसी. क्लियर? ओके गरिमा, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स अलॉट. ओके सो अभी अभी हमने तारुफ़ किया है गरिमा से, उसके बाद उसके पहले हमने तारुफ़ किया था अंशुमन से, और अब हम अपने बीच में एक न्यू स्टूडेंट को बुला रहे हैं और इस बार स्टूडेंट NDA से है. सो बेसिकली आपके जोन में हम आ रहे हैं धीरे धीरे. सो NDA के लिए मैं बुलाऊंगा हमारे मित्र, हमारे विद्यार्थी युवराज सिंह को. ये वो युवराज नहीं है, लेकिन काम इन्होंने वही किया है, युवराज वाला 6 छक्के मारने वाला. सो युवराज प्लीज़. जय हिंद सर. जय हिंद, जय हिंद. सो युवराज, पहले तो आप अपने बारे में परिचय दे दीजिए, हालांकि मैंने दे दिया, लेकिन आप अपने बारे में बताइए, किस बैच से हैं, क्या आपने किया, किस तरह का, ये सब आप बताइए. एज यू नो, मेरा नाम युवराज सिंह है एंड आई एम फ्रॉम भरतपुर राजस्थान, एंड आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूलिंग दिस ईयर ओनली फ्रॉम द रीजनल स्कूल, एंड इन अप्रैल आई ज्वाइन DDA फॉर माई NDA अटैम्प्ट. मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ आपसे ना. yes, सीधे हम लोग बात मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं. योर एक्सपीरियंस इन मॉक टेस्ट, आपके एक्सपीरियंसेस मॉक टेस्ट में क्या रहे, सभी सीनेरियो पर डिस्कस कीजिएगा आप, है ना. yes, सभी सीनेरियो से मेरा मतलब क्या आपको वैसा एटमॉस्फेयर मिला, वैसा सीनेरियो मिला, दूसरा आपको क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या मिला, डाउट सेशन कैसे रहे आपके, इनमें आप सभी पर डिस्कस करके आप बताइए हमारे स्टूडेंट्स को. सर जो मेन प्रॉब्लम मुझे लगती है कि जो स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट मिस करते हैं, दैट दे डोंट गेट दैट एटमॉस्फेयर एक्चुअली में. लाइक आप मॉक टेस्ट देंगे, आपको देखेंगे कि और भी स्टूडेंट्स आपके साथ बैठे हैं, आपके पास एग्जाम प्रेशर है, यू आर कंटिन्यूसली सीइंग दैट क्लॉक, अब टाइम ख़त्म हो रहा है आपका, तो आपको वो प्रेशर फील होता है. मैंने ऑलमोस्ट सारे मॉक टेस्ट दिए थे एंड व्हेन आई वाज गिविंग माय एक्चुअल एग्ज़ाम, आई डोंट फील इट लाइक मैं एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहा हूँ. मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बस एक और मॉक टेस्ट है, कोई इतना प्रेशर नहीं था, इतना बर्डन नहीं था. सो इन मैथमेटिक्स, बेसिकली मैं मैथ्स का टीचर हूँ, आप सभी को पता ही है. सो बेसिकली इन मैथमेटिक्स, इन NDA मैथमेटिक्स, क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर कराए गए, चाहे वो आपकी कोई भी फैकल्टी रही हो, और जो टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट रहा और जो आपका एक्चुअल एग्जाम रहा, उसमें आप कितनी सिमिलरिटीज देखते हैं. सर मेरी नवीन सर ने, आपने मुझे पढ़ाया था सर एक्चुअली में, और आप जानते हैं, और वी हमारी हर एक्स्ट्रा क्लास, लाइक हफ्ते में एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती थी. मॉक टेस्ट के बाद हम सर के पास सीधा जाते थे पेपर लेके, जो भी क्वेश्चंस को फेस करने में हमको डिफ़िकल्टी होती थी, कॉन्सेप्ट्स मेन पेपर में सारे ऑलमोस्ट सेम थे. लाइक 55 to 60 क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे थे कि जो सीधे नोटबुक से आए थे हमारी से. तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि नोट्स में से काफ़ी कुछ आया. yes, था. मॉक टेस्ट से कितना था पेपर में? सर मॉक टेस्ट का भी सिनेरियो एकदम सेम ही था, क्योंकि वो टीचर्स द्वारा ही बनाया जाता है. उसमें क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी, लाइक यू हैव टू फाइंड द क्वेश्चन जो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं. लाइक कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको स्किप करना होगा, लाइक कुछ में आपको अप्रोच अपनी अलग करनी होगी. तो सर लाइक एग्जाम पैटर्न वाज कम्प्लीटली सेम. अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने DDA में लगभग 6 महीने बिता दिए हैं. yes, तो आप जब DDA आए थे और आज 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ, एनी चेंजेस इन योर लाइफ? श्योर सर, डेफिनेटली काफ़ी सारे चेंजेस हैं मेरी लाइफ में. 12th तक मैं एक डिसेंट स्टूडेंट था. मैंने 12th के टाइम भी अटैम्प्ट दिया था, पर उस टाइम में रिटर्न क्लियर नहीं कर पाया था. इस बार मैं DDA में आया और रेगुलर था मैं, एंड सब अब एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मेरी SSB क्लासेस अभी चल रही हैं, रनिंग में हैं. मॉक टेस्ट के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर, खासकर मॉक टेस्ट को कॉन्सेंट्रेट करते हुए? मॉक टेस्ट बच्चे नहीं देते हैं हमारे. yes, सर ऐसा क्यों, आप ज़रा उन्हें डिटेल में बताएं कि मॉक टेस्ट देना कितना ज़रूरी है. सर ये मॉक टेस्ट प्लस वीकली टेस्ट. यस सर. सर टेस्ट उतने ही ज़रूरी हैं आपके लिए. एक तो आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको थोड़ी सी पेपर की एक नॉलेज मिलेगी कि पेपर कैसा आने वाला है,
तीसरा सर कुछ बच्चे जो टेस्ट देते भी हैं वो सीरियसली होके नहीं देते, लाइक दे उठे मुंह धोया प्रिपरेशन भी नहीं करी और मॉक टेस्ट देने जाते हैं और आके ना अपने आप को एनालाइज करते हैं ना आंसर की से चेक करते हैं, तो सर मुझे लगता है वो एक प्रॉब्लम है लोगों बच्चों में। सो स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट देना चाहिए? डेफिनेटली सर, 100% वीकली टेस्ट सर, श्योर, सेम फॉर द वीकली टेस्ट ऑल्सो। सो आपने कभी वीकली टेस्ट में प्राइज जीता? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये थे हमारे साथी, हमारे दोस्त युवराज। युवराज ने अभी अभी जस्ट एनडीए क्रैक किया है और अभी वो एसएसबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके पहले हमारे साथ जो गरिमा थी वो अभी एसएसबी कॉन्फ्रेंस आउट हुई है, लेकिन एसएसबी की प्रिपरेशन में डेफिनेटली उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और अंशुमन से मैंने आपको मिलवाया, या ही वॉज अ फैंटास्टिक, है ना। सो चलिए इनसे तारुफ के बाद अब मैं आपसे ज़रा अपनी बात कर लेता हूँ। युवराज आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। ओके चलिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे साथ कुछ विद्यार्थी थे जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ में कि वो किस तरह से उन्होंने मॉक टेस्ट को दिए और उनका रिजल्ट अच्छा रहा है। अब देखिए हमारा जो संस्थान है डीडीए दून डिफेंस एकेडमी और हमारे डायरेक्टर सर, उनका एक जीवन में बड़ा प्यारा मोटो रहा है, वो दो चीज़ें अपने हमेशा हमसे कहते हैं, पहला मेहनत से पीछे नहीं हटना है और दूसरा ओरिजिनल रहना है। तो हम जब आपके मॉक टेस्ट तैयार करते हैं, हमारा पूरी डीडीए टीम, तो हम आपके लिए टेस्ट पेपर तैयार करने से पहले, खासतौर से अगर मैं मैथ्स डिपार्टमेंट की बात करूं, तो हम आपके लिए जेई, हम आपके लिए एनडीए, हम आपके लिए एनटीएसई, इन सभी एग्ज़ाम के पुराने 3-4 साल के पैटर्न को स्टडी करके तब आपके लिए टेस्ट पेपर तैयार करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी मेहनत और आपके टेस्ट जो हम देते हैं, अगर आप उस पर एक बार ठीक ढंग से काम कर लें तो डेफिनेटली रिजल्ट आने की संभावना बहुत अच्छी होती है। अब देखिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको एक दो इसके एग्जाम्पल से बताऊँ कि आप देखें हमारे टेस्ट पेपर में और एनडीए का जो ओरिजिनल टेस्ट पेपर है, वैसे तो कई क्वेश्चन सिमिलर मिल जाएंगे आपको जो और जगह भी मिल सकते हैं आपको, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बड़ी स्टडी करने के बाद हम लोग उसमें आपके टेस्ट पेपर में अपीयर कराते हैं, है ना। नॉर्मली आप ये भी कह सकते हैं कि ये तो दूसरी जगह भी मिल गए हमें या दूसरी अकेडमी पर भी मिल गया, मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत रेयरली पूछे जाते हैं और उन रेयरली क्वेश्चनों को डीडीए अपनी मेहनत से आपको देता है, है ना। क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, जैसे ये एनडीए सितंबर 2023 का पेपर है और आप देख सकते हैं इसमें ये क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे, दैट इज़ 108 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। इफ़ क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज़ द मीन ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 10 विथ फ्रीक्वेंसी 9C0, 9C1, 9C2, 9C9 रिस्पेक्टिवली, और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन ये बहुत रेयरली है, आपने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, किसी ना किसी एकेडमी में आपने दिए होंगे, आप वहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन आपको शायद ही कहीं देखने को मिले, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट नंबर 4 में अवेलेबल है। ये हमने मॉक टेस्ट नंबर जो 4 दिया था उसमें आपको ये क्वेश्चन एज इट इज़ मिलेगा। तो चलिए मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 खोल दिया है और अब इस मॉक टेस्ट नंबर 4 में हम जाते हैं अपने उस क्वेश्चन पे जो मुझे आपको दिखाना है, और वो क्वेश्चन आप देख पाएंगे ये टेस्ट पेपर चूँकि मैंने ही डिज़ाइन किया था और इस टेस्ट पेपर में मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 74 पर यहाँ इस क्वेश्चन को रखा था। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है इफ अ वेरिएबल टेक्स एन वैल्यूज, इफ अ वेरिएबल टेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3 एन विथ फ्रीक्वेंसीज दैट इज 1, CNN, CN2, CN3, CNN रिस्पेक्टिवली, देन मीन अर्थमेटिक मीन आपसे पूछा है। क्लियर भाई? अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके एनडीए में सेट ए में 108 नंबर पर पूछा गया है। देखिए भाई, है ना भाई, इस तरह की सिमिलरिटीज मिलना बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन देखिए मिल रही है आपको, और ये रेयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है इसलिए पूछ लिया। कॉमन क्वेश्चनों को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल उन्हीं क्वेश्चंस को काउंट कर रहा हूँ जो बड़े रेयर होते हैं, लेकिन हम लोग बड़ी मेहनत करके आपके लिए लेके आते हैं। चलिए इसी में मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 70 आपके मॉक टेस्ट का, और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट अ शिप सेफली रीचेज अ पोर्ट 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 ships एट लीस्ट 4 ships वुड अराइव सेफली इज, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हल्का सा बस केवल डाटा चेंज करिए, यहाँ से आप शिप को हटा दीजिए, किसी पर्सन को रख दीजिए, और 2-3 डाटा चेंज करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुँच जाएंगे कि आपका क्वेश्चन यहाँ से एनडीए में ये मिल जाएगा। देख सकते हैं आप क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी, आप क्वेश्चन देखें द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन रिकवर फ्रॉम अ डिसीज इज 0.8,
वहां पे आपका लिखा हुआ है शिप को सेफली पहुंचाने के लिए, यहाँ लिखा हुआ है रिकवर के लिए, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2% आउट ऑफ 5 विल रिकवर द डिसीज। ये क्वेश्चन क्लास में कम से कम 2 से 3 बार कराया हुआ रिपीट क्वेश्चन है एग्जाम का, और बिल्कुल एज इट इज यही क्वेश्चन केवल डेटा चेंज के साथ यहां पूछा जा रहा है। ये द प्रोबेबिलिटी के नाम से, द प्रोबेबिलिटी शिप के नाम से दिया गया है, डेटा दिया गया है, डेटा चेंज है बट पैटर्न वही का वही है। सो एनडीए में यही क्वेश्चन आप पाएंगे सेट ए में क्वेश्चन नंबर 109 पर। क्लियर भाई? देखिए दो क्वेश्चन मैंने आपको मॉक टेस्ट 4 से दिखाए, अभी और भी है डाटा मेरे पास, और मेरे पास आप ये देख सकते हैं क्योंकि वीडियो मेरे को बहुत लंबा नहीं करना है, ये मेरे पास पूरे के पूरे 5 मॉक टेस्ट हैं, आई हैव 5 मॉक टेस्ट। क्लियर? और इसके साथ साथ मैं वीकली टेस्ट तो लेके ही नहीं आया अभी आपके लिए, अगर मैं वीकली टेस्ट से भी डाटा निकालना शुरू करूं और मॉक टेस्ट का डाटा निकालना शुरू करूं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम 60 क्वेश्चन मैं आपको वो बता दूंगा जो हमारे मॉक टेस्ट से पूछे गए हैं। और अगर मैं आपको अपने नोट्स, अब मेरे मतलब इस एकेडमी के नोट्स से अगर आपको मैं तारुफ कराऊं, जो हमारी फैकल्टी जिसमें मैं हूं, सलमान सर हैं, राजू पांडे सर हैं, और हमारे एचओडी संदीप वर्मा सर और प्रदीप सर हैं, अगर इनके क्लास नोट्स को भी इसमें शामिल कर दूं तो ये क्वेश्चनों का जो मार्क्स जाएंगे टोटल वो जाएंगे अप्रॉक्सी 90 के आसपास। उस पर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी सिर्फ मेरा जो मोटिव है वो मॉक टेस्ट पे है। इसी तरह आप देखिए, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ एक क्वेश्चंस, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन 29 एनडीए में, देखिएगा ये मैं कुछ वो क्वेश्चन निकाल रहा हूँ जो सीधा सीधा मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए यहाँ रखे हुए हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा जाएगा अगर एक एक क्वेश्चन में दिखाने लगा आपको। तो अगर इतनी सिमिलरिटी कोई आपको टीचर बता रहा है तो सिमिलरिटी और भी बता सकता है सर, है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इफ 10π cos θ cot π sin θ, इतनी सी बात पर अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं, आगे क्वेश्चन दूसरा है लेकिन कॉन्सेप्ट यही है सर, ये लिखा हुआ है 10π cos θ इक्वल टू cot π sin θ। तो आप ही आ जाइएगा मॉक टेस्ट नंबर अगेन 4 में आइएगा, अभी सिर्फ मॉक टेस्ट 4 ही चल रहा है, अभी 5 भी है, 1 भी है और भी है, ये आइएगा मॉक टेस्ट आप 4 पर, और मॉक टेस्ट 4 में आइएगा आप क्वेश्चन नंबर 6 पर। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 10 cot x इक्वल टू cot 10x, sin 2x की वैल्यू पूछी गई है लेकिन बेस आप उसका देखिए, बेस वही है दैट इज 10 cot x, और ये क्वेश्चन आपको एनडीए में मिलेगा, एनडीए सेट ए में क्वेश्चन नंबर 29। जिस लड़के ने ये क्वेश्चन अपीयर किया होगा मॉक टेस्ट 4 का, वो सर्टनली करने जा रहा है एनडीए में 29 क्वेश्चन नंबर को। इसी में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, आप देखें ये लिखा हुआ है 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 मॉक टेस्ट में जिस लड़के ने, जिस कैंडिडेट ने अपियर किया होगा क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज sec स्क्वायर 10 इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cos इनवर्स माइनस 3, इस तरह का क्वेश्चन लिखा है, वो लड़का सर्टनली आपके एनडीए का ये क्वेश्चन नंबर 28 हिट करने वाला है। ये लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 28, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के साथ में, वही कॉन्सेप्ट है जो आपने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 7 मॉक टेस्ट 4 में देखा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 मॉक टेस्ट 4 में, डीडीए मॉक टेस्ट 4 में। ठीक है भाई, चलिए एक दो क्वेश्चन और दिखा दूं मैं आपको इसी तरह से। ये आप देखेंगे एक क्वेश्चन हमारे पास फिर से, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा मॉक टेस्ट 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा पैटर्न दैट इज f'(1/x + x³)f'(x=0) पैटर्न है। इसी पैटर्न पे अब आप देखिए एनडीए में इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर है एनडीए सेट ए में 43 और 44 पे आ जाइएगा आप। देखिए अभी सिर्फ मॉक टेस्ट नंबर 4 चल रहा है और मॉक टेस्ट नंबर 4 में से मैं आपको कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन सीधे सीधे दिखा चुका हूं। ये रहा आपका 43 और 44, दैट इज 43 और 44, ये लिखा है मान लीजिए एक फलन और ये लिखा हुआ है दैट इज 2f(x) + f(1/x), और बिल्कुल ऐसा ही एक पैटर्न अभी अभी हमने अपने मॉक टेस्ट में देखा, वहां लिखा हुआ था f'(1/x) + x³(f'(x) = 0। तो जो जिस कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना जानता है, पैटर्न मिलता जुलता पैटर्न है लगभग। देखिए सीधे सीधे 2 क्वेश्चन हिट हुए यहाँ से। ये रहा आपके लिए एनडीए में क्वेश्चन नंबर 37, वैसे तो ये पूरा क्वेश्चन ही है
इसको यहाँ से भी कंसिडर अगर आप कर लें 36 से, सो ये क्वेश्चन है 36, 37 दोनों इसमें लिए गए हैं, a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स के, और आपका जो ए बी सी है वो रियल नंबर है, क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास लिखा हुआ है, ये लिखा है 37, बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछा। 37 इसमें लिखा है कि आपको बताना है कि इसके रूट्स क्या हैं, शर्त क्या है, शर्त पढ़ लीजिए पहले, शर्त आप देखेंगे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन की शर्त इसमें दी जा रही है, मैं इंग्लिश में निकालता हूँ इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन की शर्त थी आपकी कि रूट्स आर इक्वल, ये लिखा है 36 में, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स, और ये रहा 37, इफ के इक्वल टू सी देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपको मिलेगा हमारे मॉक टेस्ट नंबर 4 में, फिर से मॉक टेस्ट नंबर 4 पे आ रहा हूँ, और ये मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 36, आप देखिएगा ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 36, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर ए बी माइनस बी एक्स स्क्वायर बी माइनस सी सी माइनस सी आर इक्वल, देन आपको बताना है कि ए बी सी किस में होंगे, ए पी जे पी जी पी एच पी में। अब इस तो देख सकते हैं आप, अभी सिर्फ मैंने मॉक टेस्ट 4 को ही हाथ लगाया है और इसमें से मैंने इतने क्वेश्चन निकालना शुरू कर दिए, ये मेरे पास आता है मॉक टेस्ट नंबर 5, मॉक टेस्ट नंबर 5 अगर आपने अपियर किया है और आपके पास है तो केवल मैं डाटा बताना शुरू करता हूं आपको। मॉक टेस्ट नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 99 पीरियोडिटी से रिलेटेड है, टाइम पीरियड पूछा गया है, आपको पूछा गया था साइन स्क्वायर प्लस समथिंग का पीरियड पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 99 वो लिखा हुआ है मॉक टेस्ट नंबर 5 में। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 75 ये आपका एनडीए में क्वेश्चन नंबर 53 और 54 है, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 75 मॉक टेस्ट 5 से क्वेश्चन नंबर 53 और 54 है। इसी तरह आप लोग आगे की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 70 मॉक टेस्ट में ये आपका 3D से पूछा गया क्वेश्चन है, 3D में आपको मिल जाएगा नंबर, आप देख सकेंगे 3D में, मैंने अभी मार्क नहीं किया है बट 3D में ऐसे क्वेश्चन है। तो ये था हमारा मॉक टेस्ट नंबर 5 से, और ऐसे इसमें बहुत हैं, और इस तरह के मेरे पास अभी ये 3 मॉक टेस्ट और पड़े हैं। अगर मैं सभी का डेटा निकालना शुरू करूं तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये डेटा जाएगा कम से कम 40-45-50 के आसपास, जो सीधा सीधा यहाँ मॉक टेस्ट से होगा, क्लियर। अगर आपने यहाँ के मॉक टेस्ट, यहाँ के वीकली टेस्ट और प्लस हमारे नोट्स अगर आपने ठीक ढंग से तैयार कर लिए तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आपका एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकता, एनडीए क्रैक होगा, बट उसके लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए दैट इज़ मेहनत, मेहनत और मेहनत। मैथमेटिक्स में तो खास तौर से मेहनत आपको करनी है, देर इज़ नो शॉर्टकट इन मैथमेटिक्स, जो भी स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं मैं यकीन दावे के साथ कह सकता हूँ कि 120 क्वेश्चन में वो 10-12 क्वेश्चन तो शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे, इसके बाद उनसे पेपर नहीं बनना। कई क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने हमारे ऑनलाइन सॉल्यूशन देखे होंगे, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें सभी जगह अलग अलग मेथड लगाए जा रहे हैं, लंबे लंबे मेथड लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम उस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं तो विद इन सेकेंड्स कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारी अप्रोच में अंतर है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो नामी गिरामी प्लेटफॉर्म हैं उन तक के सॉल्यूशन गलत आए हैं, जैसे एक क्वेश्चन है आपके एनडीए में, मैं आपको ये भी बताता चलूं, इसको आप चेक कीजिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्लस बाइनोमियल मिला के, आप जगह जगह जाके इस चीज़ को चेक कीजिएगा, ये लिखा हुआ है कंसिडर 1 - x^4 5 - x 82 वॉट इज द नंबर ऑफ रूट्स, रियल रूट पूछ रहा है, रियल रूट कितने हैं, ठीक है भाई, सो रियल रूट है 2, लेकिन कई कोचिंग क्लासेस की जगह से इसका आंसर आया है 4, जो कि गलत आंसर है, क्लियर भाई। और तो और यहां पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स, ऑल द रूट्स, ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कई नामी गिरामी प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, वहां इसका आंसर 6 बताया गया है, ये कि गलत आंसर है, द करेक्ट आंसर इज 12, 12 इसका सही आंसर होगा, सभी रूट्स का सम पूछा जा रहा है, और ऐसे ढेर एग्जांपल हैं मेरे पास, ठीक है, लेकिन उन पर मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ सर, मेहनत कीजिए, शॉर्टकट मत देखिए, मैथ्स इंग्लिश और जीएस आपसे मेहनत मांगते हैं, और मेहनत से घबराना क्यों, अगर हम मेहनत करें तो क्या नहीं कर सकते, मेहनत करने वाला होना चाहिए, पत्थर में से पानी निकाल सकता है, ये तो छोटा सा एनडीए का एग्ज़ाम है, हमसे क्रैक नहीं होगा तो किससे क्रैक नहीं होगा, है भाई, हैं, आप मेरे विद्यार्थी रहे हो और आपको मालूम है मेरा सबसे फेमस डायलॉग वही है, हाँ बोल हाँ, सो हाँ बोलना पड़ेगा आपको मेहनत करने के लिए, और यकीन जानिए सफलता आपके दरवाजे पे खड़ी हुई है। सो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि दून डिफेंस एकेडमी की पूरे परिवार की तरफ से
और हमारे डायरेक्टर सर की तरफ से एक बार मैं आपको फिर से अपने ऑफलाइन कोर्सेज के लिए आमंत्रण दे रहा हूँ। नए बैचेस हमारे जल्दी शुरू हो रहे हैं, कुछ हो भी चुके हैं, आप जल्दी से उन्हें ज्वाइन कीजिए और अपनी सफलता के लिए मेहनत करना शुरू करिए और सफलता के झंडे गाड़ दीजिए। दूसरी बात, जो रेगुलर विद्यार्थी हमारे हैं, जो अभी हमारे पास पढ़ रहे हैं, उनके लिए केवल एक ही संदेश, भैया मॉक टेस्ट दो, वीकली टेस्ट दो, अच्छा करो और यकीन जानो सफलता से कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। बट देयर इज नो शॉर्टकट इन स्टडीज, मेहनत मेहनत और मेहनत। इसी नोट के साथ आपका नवीन सर आपसे विदा चाहेगा, आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी ना किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। काइंडली सब्सक्राइब डीडे यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।